हेलो गाइस, मैं जितिन और मैं चैनल आप लोग स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज हम खेल रहे हैं वॉकिंग ज़ॉम्बी 2। तो मैंने इसका अभी सेकंड पार्ट है ये। तो अभी हम ये जो खेल रहे हैं, अभी ट्रेडर से कुछ बात कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मैं ये जो ज़ॉम्बियों को ना, ये जो ज़ॉम्बी होते हैं इस गेम में, उन्हें गेंडे की मौत मारेंगे। जो देखो ये जो ज़ॉम्बी हिल रहे हैं ना, उसे गेंडे की मौत मारूंगा। ये देख राजा गेंडे कह रहे हैं कुछ लोगों, देखो हाँ हमारी कोई इज्जत है कि नहीं। तो अभी गेंडे को मारते हैं गोली, तो ज़ॉम्बी को किसी की भी मौत चढ़ा लेंगे। कुत्ते की मौत ही ले लो यार, कुत्ते की मौत मार लूँगा सारे ज़ॉम्बियों को। ठीक है, हमें क्या होने सारे ज़ॉम्बियों का मरने का ठेका ले रखा है क्या? हमें क्यों मार रहे हैं गेंडे को? भूल गए भी ज़ॉम्बी लागे हम क्योंकि हमारे कुत्ते है नहीं है ना, ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे साथ? तो छोड़ भाई, तेरे साथ मैं कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ भी छोड़ो ये डॉगी कुत्ते, मैं उसे ज़ॉम्बियों की मौत दे दूँगा। ये ज़ॉम्बी तो निकल जाए यहाँ से। तो ज़ॉम्बी को मारो गोली, अभी चलते हैं हम कुछ भी टास्क पूरा करते हैं, क्योंकि टास्क हमें चाहिए और ना पूरा करने पर आप लोग तो छोड़ोगे है नहीं। तो बाकी बात छोड़ते हैं, अपने गेम की तरफ ध्यान देते हैं। वो बता इसका नाम, नया नाम ये छोड़ो, इसका नाम कौन पढ़ रहा है? तो ओल्ड सप्लाईज भाई, साले ने गिफ्ट में के नाम पे ओल्ड सप्लाईज ही दिए। रैंक भाव आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये 25 लेवल के बाद खुलेगा। फैक्ट्री एंड क्लियर दी ज़ॉम्बी, भाई ये बड़ी अच्छी बात है। और चलते हैं हम, क्योंकि पास पड़ रहा है तो ओल्ड हाउस के पास नहीं जाएंगे। तो अच्छी बात है, फ्रैंक के भाव के साथ हम जा रहे हैं। नहीं, फ्रैंक नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि वो गेम में क्यों आएगा। सो भाई मुझे हो मेरी ऑसम बाइक, तो उधर चलते हैं अभी। अच्छा ये है क्या वैसे, बॉम या फिर क्या है ये, देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा एक क्यूब कर लिया, तो फिर अभी भाई मुझे डर लग रहा है, बहुत ही बड़े बड़े वाले ज़ॉम्बी है। कुछ भी किया तो भाई सीधा सिर नीचे पैर ऊपर, और कुछ नहीं तो इसे ऑटोमेटिक पे रख लेते हैं। कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक पार करेगा। अबे अबे मर जाए यार, आई थिंक सो कुछ हो क्यों नहीं रहा उन्हें। पास चलते हैं, सद काट ना ले। हाय हाय कितने बेशरम हो यार बेचारे, एक बंदे को चार चार बंदे मिलके खा रहे हैं, बेचारे किसी बॉडी छोड़ी। तो देखते हैं, अच्छा इधर तो कुछ है नहीं अभी, वो थोड़ा अभी ब्लिंक। अच्छा अभी मर जाए यार तू, इन ज़ॉम्बियों को। अच्छा बॉम्ब कुछ अभी अभी इन्हें मारूंगा, तो कुछ देख लेते हैं पहले। तो अभी कोई ना कुत्ते की मरेंगे, सारे गेंडे की मौत, सारे सभी बंदे। अच्छा एक बच गया, तू मर जा यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसे मारेंगे हम कुत्ते की मौत। तो मैंने पीछे वाला फोड़ दिया एंड बहुत ही अच्छा डिस्ट्रक्शन किया है हमने। उई भाई यार ये ज़ॉम्बी में ना इतने न्यूक्लियर हैं, अगर सारे ज़ॉम्बियों को एक जगह लगा लेते ना तो मज़ा आता। अब यार कुत्ते की मौत मारूंगा साले, निकल जाए ऐसे। कुछ दिया तो अच्छी बात है, वरना फालतू ज़ॉम्बी कुछ देते हैं नहीं। अच्छा और दो, हाँ लो आलो, मैं तो यहाँ पे तो मैं लंगर बांट रहा हूँ ना, मांस का लंगर। छोड़ो मांस का लंगर नहीं, नॉर्मल लंगर बेच रहा हूँ ना मैं, बेच रहा हूँ सॉरी, ये मेरी हिंदी को क्या हो गया। चलो तो अभी जल्दी से इधर चलते हैं। हाँ यार ये बंदे ज़ॉम्बी यार अंदर हुआ तो भाई बहुत गंदा मारेगा मुझे, कि इसका लेकिन गेम का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। और बहुत लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया था कि अच्छा बस कमेंट मारो गोली, पहले कंटेंट पे आते हैं क्योंकि ये बंदा हमें छोड़ेगा है नहीं। तो भाई मर जाए यार तुम लोग, यार क्यों हमारा
सकते हो। अगर आप ध्यान से सुनोगे कुछ जॉम्बियों की आवाज़ें आ रही हैं। डोंट टेल मी कि जॉम्बी ऊपर आ रहे हैं। चुप जाता हूँ। देखो आ ही गए। चले दोनों गेंडे की मौत मरो। आए हाय हाय। अबे आंटी इधर मत आया है। गेंडे के कुत्ते की कुत्ते की कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया शायद। तो रिटर्न टू सिटी कर लेते हैं पहले। तो वापस सिटी में आके ना भाई बहुत मज़ा आता है क्योंकि जॉम्बियों के पास रहने का मन नहीं और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरा कुछ मिशन लेते हैं यार। अभी तो कितने दिनों से हंगरी बैठी यार। देख सामने चिकन पड़ा है कच्चा खा ले। क्या उधर जा सकते हैं? नहीं तो तू चल अभी। हमेशा क्विस्ट कंप्लीट करने के बाद तो ये हमेशा ही आता है तो नो प्रॉब्लम भाई। ऑफ कोर्स यार अच्छा वाला मिशन दिया था ना। सो ओल्ड हाउस साइंस बेस एंट्रेंस पे चलते हैं क्योंकि अच्छा है। लेकिन फ्रैंक से अच्छी जॉब और कोई नहीं देता मुझे इतनी पता है। साइंस ओहो डायलॉग बाजी। हाँ ऑब्वियसली साइलेंट अप्रोच जो प्लान के तो अच्छी बात है। ये साला धोखा देके जाने वाला है। तो इसने बोला कि आप आराम से जाओ और जॉम्बियों को मारो आराम से। तो जॉम्बियों को मार लेने के बाद उधर देखो उसने दिखाया कि एक बैट पड़ी है। अभी तो बचाने नहीं आया। देखना मेरे पास पहले से बैट है फिर भी ले लेते हैं। तो हमें थोड़ी सी साइलेंट मेंटेन करना पड़ेगा। पहले उसकी जगह पे चलता हूँ। अबे आ ना यार तू कवर कहाँ दे रहा है मुझे। कुछ भी होगा तो वो ले ही जाएगा लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए मुझे। तो ज़ॉम्बी मेरे पास है मैं उनके पास जाके चलता हूँ। तो सभी और इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे मिशन हैं और हाथों से मार लिया और फर्स्ट एड किट भी मिल गई। अच्छी बात है अच्छी बात है। फर्स्ट एड किट मिल गई तो मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी अरे यूज़ कर ले यार। अबे मर जाऊँगा यार यूज़ कर ले यार कुछ भी कर ले। मरू ना मरू लेकिन एक बात ये पक्की ऐसा कवर देने कभी नहीं आने वाला है। ये जो बंदा है ना ये एक नंबर का जाहिल वर्ल्ड का फालतू इंसान है। इतनी खटारा जीप उसके आगे तो अपनी जीप अच्छी है यार। तो वापस घुस जा मेरे अंदर। हम तो यहाँ पे लंगर बांट रहे हैं घुस जा यहाँ पे। तो अंदर जाना पड़ेगा यार। अबे यार साले कितनी गंदी बदबू। चलो बदबू नहीं क्या मक्खियाँ कहाँ उड़ रही हैं। तू चढ़ के चला जा। क्यों इतनी किक्के मारनी है तुझे बंदे को किक एक किक से सारी चीज़ें उड़ रहा है। मतलब गेम्स के लॉजिक देखो भाई सैल्यूट मार लो गेम के लॉजिक्स को। तो कुछ उठा लो नहीं वो उससे नहीं उठाना मुझे गंदे आए है भाई। एक गर्ल वो जॉम्बी आंटी कही कि वो बच गया उसके पता एक रेपटा पड़ता मेरे गाल पे। तो अच्छा ए अभी रहा नहीं जाएगा। अभी गाना बजाओ कोई यार। अभी इन सभी गाना बहुत सारे बंदे को पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत लोगों का फेवरेट गाना हो सकता है। तो वापस वुडलैंड पे चलते हैं क्योंकि ज़रूरी है और क्या करेंगे।
तो कुछ क्लेम व्लेम रिवॉर्ड कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम तो पागल है। तो चलते हैं वापस अपने घर की ओर, क्योंकि ये जगह बहुत ही डरावनी थी। और तो वापस आ गए हम, अपना मुंह दिखाने को वापस आ गए। तो फिर फ्रैंक भाई पैसे दो अपना ये सस्ता फालतू गाड़ी लाने के लिए। अभी इस जगह पर टोयोटा कोई भी गाड़ी ले आता यार, तू कोई भी गाड़ी ले आ सकता था। छोड़ो, एल्डर भाव आप बताओ आपका क्या काम है। अच्छा, पर्सनली गेन सम एक्सपीरियंस। अच्छा, टेल मी मोर यार। एक्सप्लोर ओल्ड हाउस। अबे रुक बे भाई, वेस्ट एरिया। टेल मी मोर अबाउट इवनिंग वेयर नो वन गेट्स। अच्छा ठीक है, इवनिंग में कोई नहीं जाता तो अच्छी बात है ना। अच्छा तो अंकल अभी अपनी पार्टी करने वाले हैं। करो करो। फालतू बातें कर रहे हैं बैठ के। You don't want to know what it is made of, but I think we're all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming, and we need to prepare as best as possible. So, I have to bring supplies from your old house, or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Lita saying that you are as sweet as honey. एक और सुहाना दिन वॉकिंग जम्बी के सीरीज में। तो छोड़ो, ये हर बार बोटले क्यों पकड़ लेता है, और बोटले तोड़ता तो ज्यादा है। तो बाकी बात छोड़ते हैं, बाहर चलते हैं। अपना जो लीडर नहीं एल्डर थे वो बता रहे थे कि हमको अभी बहुत ही एक डेंजरस काम है, हमारे पास विंटर के लिए खाना नहीं है, तो खाने के लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ये काम देख लो, सल्यूट मारोगे दो तीन लाइक ठोक के जाओगे, देख लो। पहले अंकल एक बात मान लेते हैं, सो नॉट नाउ मार के मैप पे जाते हैं हम। अच्छा होम पे चलते हैं, कहीं भी चल लो, तभी मज़ा आएगा। सो अभी एक बहुत ही मज़ेदार काम करने जा रहा हूँ मैं। तो मुझे मिल गए रिलोड्स प्लस 15%, तो रिलोड बहुत ही जल्दी होने वाली है गाइस। तो ए, ए तो गाना शुरू किया जाए। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. गाना हो गया अभी खत्म, तो अभी थोड़ी स्टाइले मारते हैं, क्योंकि स्टाइले मारना हमें बहुत पसंद है. और कुछ भी हुआ और आपको ये जो नया, तो अभी वापस चलते हैं घर को, क्योंकि मेरे जो हाथ ना मशीन गन चला चला के, और ये जो कौन सा मैंने ग्रेनेड माइंस फोड़ दिया उसमें मेरे हाथ तो गए हैं. तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. टिल देन टेक केयर एंड बाय. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming.